देश के कई हिस्सों में बारिश का कहर जारी है। ये जो तस्वीरें आप देख रहे हैं वो तेलंगाना की है। तेलंगाना के कई जिलों में भारी बारिश हो रही है। यहाँ का एक जिला मुलुगु बारिश से बहुत ज्यादा प्रभावित दिखाई दे रहा है और ये तस्वीरें इसकी गवाही दे रही हैं। तो ये कहना गलत नहीं होगा कि मुलुगु में बाढ़ जैसे हालात बने हुए हैं और भारी बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। दो दिन से हेवी रेन्स आया है, इधर बारिश आ रहा है। कल से पब्लिक पूरा लोग का अलर्ट कर दिया। इधर से हमारे सीए साहब, हमारा एसआई, हमारा फोर्स भी इधर ही आए और इसके वाले से पब्लिक को पैदल से जाने वाले को माना किया, इधर से क्रॉस करने के लिए माना किया और पेडेस्ट्रियंस और मोटरसाइकिल वाले भी वो इंस्ट्रक्शन दे दिया। और बारिश वैसे आए तो और भी फ्लोटिंग ज़्यादा हो जाता और एक दो घंटे में इसका फ्लोटिंग कैसा रहता हमारा मालूम हो जाता। इससे पहले भी हमारा पुलिस ऑफिसर भी इधर ही इससे पहले काम किया। भारी बारिश के कारण मुलुगु और वारंगल जिले के बीच NH-164 पर बने पुल के ऊपर से पानी बह रहा है। लोग जान को खतरे में डालकर इस रास्ते से गुजरने पर मजबूर हैं। ऐसे में बारिश की वजह से जनजीवन बुरी तरह प्रभावित हुआ है। कल तो कम है, आज पूरा ज्यादा हो रहा है बारिश में। आज से पूरा इंस्ट्रक्शन ले लेते हैं, हमारा इंस्ट्रक्शन के बाद NDRF वो पीपल्स वो भी आ रहे हैं और फोर्स भी ज़्यादा ला रहा हूँ और डिस्ट्रिक्ट गार्ड्स भी इधर आ रहे हैं। वो केम बोल के बोले तो पूरा लोग मालूम है ये कैसा रहता है, इधर इसका सिचुएशन कैसा रहता है। वो पूरा लोकल वाला है और बाहर से आने वाले को इंस्ट्रक्शन करके वो लोगों को भेज रहा हूँ और एक डाइवर्शन भी कर रहा हूँ मैं। दोपहर से आज दोपहर से तो और दो घंटे में इसका हालत कैसा रहता है मारा था मालूम हो जाता। ऑफिशियल्स भी पूरा इंस्ट्रक्शन कर दिया, तो अंदर नहीं जाने के लिए बोल रहे हैं, वो लोग भी कोऑपरेट कर रहे हैं। और ट्रैफिक डाइवर्शन भोपाल पे एटनगर जाने वाले थोड़ा दिक्कत रहता, मगर इधर से जाता पारकल से गुड़ेपाट से ट्रैफिक डाइवर्शन करके उधर से भेजा हूँ। वो हनुमकुंडा जाने वाले मल्लमपेल से एक रोड नरसिंहपेट पे चला जाता, वो सेफ रूट है। वो पूरा कुछ भी नहीं प्रॉब्लम हो जाता। हम 24/7 वी विल बी हियर ओनली। फिलहाल तेलंगाना सरकार ने राज्य में भारी बारिश को देखते हुए दो दिनों के लिए छुट्टियों की घोषणा की है। बता दें कि बारिश को देखते हुए तेलंगाना सरकार ने ये कदम उठाया है।